इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन विकास यात्राओं के माध्यम से शासन और प्रशासन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीडी शर्मा भी विकास यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पथरगुआ, रनगुआ और इमलिया पंचायत में पहुंचकर भारी जन समुदाय के बीच शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा, साथ ही बताया कि खजुराहो में जल्द ही वंदे भारत ट्रेन और बनारस व राजधानी भोपाल के लिए नई ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। उन्होंने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के विकास के रोड मैप की जानकारी भी स्थानीय लोगों को दी। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर घासीराम पटेल, नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष पप्पू अवस्थी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। रेल मंत्री जी से मैंने कहा कि रेल मंत्री जी खजुराहो बढ़ ढेर थे आप होकर क्या है। उन्होंने कहा सांसद जी आप चिंता मत करिए, खजुराहो का स्टेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन करके खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी काम की शुरुआत हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से भी आएगी और मेरे तो कहा बनारस से भी जोड़ दो एक, जिससे बनारस का टूरिस्ट भी आए। आप चिंता मत करिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी होगी, ट्रेन कनेक्टिविटी होगी, पानी की सुविधा होगी, सड़क बिजली पानी तो हमें अभी नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सांसद जी मैंने सुना है कि आपकी रोड तो इतनी अच्छी बनी है कि लोग रोड पर आकर के सेल्फी लेते हैं और जो भमीटा से खजुराहो बना रहे वो एक बार मैं उस रोड को स्वयं देखने आना चाहता हूँ। नितिन गडकरी आकर बेटियों को और भांजियों को जो धोखा देता है, हमारा धर्म और संस्कृति कहती है कि जो भांजियों को धोखा दे वो बच नहीं सकता, तो ऐसे कमलनाथ जी को सरकार छोड़ करके जाना पड़ी और भाग गए। और उन बेटियों के लिए कन्यादान योजना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कन्यादान योजना पुनः शुरू करके उन्हें 51,000 को देते ही है। उन बेटियों के लिए हर प्रकार से उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारी व्यवस्था कैसे बनेगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज मैं राजनगर विधानसभा के पथरवा पंचायत के अंदर विकास यात्रा में सम्मिलित हुआ हूँ। आज मेरा मन गदगद है कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से जनता जनार्दन जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज लोग उनका एप्रिसिएशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन जिस प्रकार से जागरूक हुई है, आज हम सब लोग प्रतिबद्धित होकर के खजुराहो लोकसभा, राजनगर विधानसभा और इस पंचायत में आया हूँ। विकास के अंबार लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर गरीब का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो आज मुझे तो आनंद आ गया विकास यात्रा में, जिस प्रकार से जनता जनार्दन का समर्थन यहाँ पर मिला है।